ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा रत्नागिरी में डे टू है। बाइक कितनी सॉर्टेड पार्किंग है, मस्त अंडरग्राउंड पार्किंग मिली थी ये होटल में हम लोग को। तो आज जाना किधर है? आज मैं जाने वाला देवघाली बीच, जो अभी फ़िलहाल बहुत ट्रेंड में है इंस्टाग्राम पर। तो वो बीच आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाला हूँ, देखते कैसा है क्या है, क्योंकि जितना वो सीनिक दिख रहा था उतना है या नहीं वो तो देखना ही पड़ेगा जाके। तो आज वही बीच हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया हूँ, जो भी है कैमराज एंड ऑल वो सब टैंक बैग में डाल दिया अपने, और सिर्फ टैंक बैग कैरी करने वाला हूँ। सब सॉर्टेड हो गए, बस टाइम बहुत दोपहर वाला रखा क्योंकि मुझे सनसेट उधर लेना था, तो सनसेट को ध्यान में रखते हुए मैं निकल रहा हूँ। और अभी सबसे पहले फ्यूल लगाना होगा, इसमें फ्यूल डालना है। बाइक खाली हो चुकी है, अभी एक बार उसको भी पूरा फुल कर देता हूँ, मतलब टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो यहाँ से तो हो गया, फटाफट निकलता हूँ क्योंकि अभी 3:30 बजने आ गए। एक घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता इधर से वो, इधर मैं रुका था। ये होटल बहुत सॉर्टेड है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है मेरे को ये। तो इसका भी जो भी डिटेल रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप लोग कभी प्लान करते हो तो यहाँ पे मस्ट आना आप लोग, क्योंकि बहुत सॉर्टेड है और एकदम रीज़नेबल प्राइस में है। चलो निकलते हैं अभी। ना धूप लग रहा है, ये टाइमिंग एकदम धूप वाला है, ये 3:30 बजे का टाइमिंग है। पूरा नाक बोलते ना, पूरा एरिया साइलेंट है एकदम, मतलब धूप में तो पूरा सामसम हो गया एरिया। ये सब शॉप्स एंड ऑल बंद है, सही है, मगर पीस है ये जगह में। अभी मुझे सबसे पहले पेट्रोल पंप देखना है कि पेट्रोल पंप किधर है, क्योंकि बाइक रिजर्व में है हमारी, तो इसको फ्यूल करना पहले सबसे ज़रूरी है। ये किसको देख के हाथ हिला रहे हैं? होप सो ये बस देवघाली बीच का रोड इतना ख़राब ना हो जो मैं कल आया हूँ, क्योंकि एक बार मैंने जो हाईवे छोड़ दिया था उसके बाद इतना सड़ेला रोड मिला था ना, सच में बोल रहा हूँ, पूरे बाइक के पुर्जे हिल गए मेरे। देखो दोनों इंडिकेटर लूज हो गए, वो भी टाइट करता, वो रिटर्न आऊँगा तब टाइट कर लूँगा। गर्मी अच्छी खासी है इधर बाकी, या फिर मैं उसमें हुडी डाल के आया हूँ इसलिए मैं भी। ओ नसीब, मिल गया पेट्रोल पंप। ऑनलाइन है ना, फुल करा ना। ओहो हो, क्या व्यू है, क्या व्यू है, ये पूरा समंदर। पूरा समंदर है, जिधर नजर जा रही पूरा समंदर। देखो उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आसमान और समंदर एक ही साथ है। वाह मस्त है ये, इधर आना पड़ेगा फिर से। क्या सही है यार, पहले वो देवघाली बीच कवर करके आ जाओ, क्योंकि इधर तो आना ही है अभी मेरे को। ये है कौन सी जगह? बट भातिया बीच, भातिया बीच, इसको रिटर्न के टाइम कवर करता हूँ। मस्त लोकेशन, एक नंबर है ये। क्या जगह है यार ये, रत्नागिरी की खूबसूरती अभी दिखने लग गई है यहाँ से। क्या दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है, देखो
सफ़र ऐसा है तो मंजिल क्या होने वाली है हमारी? वो बीच के लिए तो भाई मेरे को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल बीच है। और अब तक तो रोड एक क्लास चल रहा है, मतलब जो कल देख के आया हो वैसे तो रोड ज़रा भी नहीं है अभी तक, होप सो ना ही रहे। पावस, अभी हम लोग पावस में हैं। वैसे रोड तो एक नंबर है, मतलब फुल घाट वाला रोड है ये, तो रोड का कोई इशू नहीं लगा अभी तक। बट बाकी जो सीनिक रोड है ना यार, मतलब फुल स्नेकी, कभी भी टर्न आ रहे हैं। और ऐसे रोड पे फिर मज़ा भी आती है बाइक चलाने में। ओहो हो, मस्त है फुल, मतलब ये अलग ही जगह लग रही है, गोवा से ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये। गोवा कैसा क्राउडेड प्लेस है ऐसा, ये एकदम शांत। ये पानी के बीचों बीच दरगाह बना के रखी है। मेरे को हवा कम क्यों लग रही है? हवा भी कम नहीं है यार। क्या जगह है यार ये, अभी भी यहाँ से शायद 15 किलोमीटर के आसपास कुछ तो है काशली बीच, इसे देवगाली बीच भी बोलते हैं। और बराबर 4:30 हो रहा है, मतलब सनसेट के टाइम पे वो बीच पे रहूँगा मैं, मतलब टाइमिंग परफेक्ट है। और रोड तो एक नंबर है यार, मज़ा आ रही है इधर बाइक चलाने में। यहाँ से अभी आई गेस 10 किलोमीटर रहेगा, 10-15 किलोमीटर कुछ तो रहेगा काशली बीच। बाकी क्या सीनिक रोड मिले यार, मतलब एक साइड में फुल घाट और दूसरे साइड समंदर, क्या नेक्स्ट लेवल व्यू था वो। हमें को जाने के टाइम शायद मेरे को हवा चेक करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बाइक बहुत दबी दबी फील हो रही है अभी, डोंट नो क्यों, क्योंकि बाइक भाग नहीं पा रही है। और आई गेस ये हवा कम होने, क्योंकि कल का रोड इतना ख़राब था ना, उसके बाद मैंने हवा ये सब चेक ही नहीं किया हो, वो एक देखना पड़ेगा जाते टाइम। अभी मैं प्रॉपर काशली गांव में हुई है, जो देवगाली बीच हम बोलते हैं वो ये गांव के थ्रू आता है, प्रॉपर गांव है ये।
बीच तो आ गया देवगली का है। क्या लग रहा है यार, एक साइड पहाड़ एक साइड समंदर, यही व्यू सबसे बेस्ट लग रहा है। और शायद ये गलत टाइमिंग है हमारा, क्योंकि इतना क्राउड दिख रहा है, दैट मीन्स फोटो शूट के तो वाट है। पूरा समंदर, क्या लोकेशन है यार ये देखो, फुल परफेक्ट सनसेट। और लोग अभी ऊपर आ रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं, और ये हमारा 360 भी साथ ही साथ। क्या व्यू आ रहा है, प्रॉपर स्टेयर्स तो है जाने के लिए, वैसे तो कोई इशू नहीं है इधर। वैसे फ़िलहाल तो मैं ये रूट से जा रहा हूँ, क्योंकि उधर तो मस्त क्राउड है और यहाँ पे भी क्राउड है, बट ये वाला लोकेशन इतना मतलब कैसे खाली रहेगा अभी तो मालूम नहीं, तो वही पहले इधर कुछ शूट वगैरह कर लेता हूँ और आप लोग को यहाँ से व्यूज़ दिखा। क्या व्यू है देखो, बराबर बीच में एक बीच है सॉर्टेड, इधर एक सनसेट पॉइंट है, इधर सनसेट एकदम अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, प्रॉपर व्यू है। और मैं सोच रहा हूँ मैं पहले नीचे ही जाऊँ अब, कि ये नेक्स्ट लेवल है यार। पब्लिक सब रिटर्न आ रही है और मैं अभी जा रहा हूँ, सनसेट हो चुका है पूरा प्रॉपरली, और रोड प्रॉपर सनसेट हुआ है देखो। क्या मस्त लग रहा है इधर, फुल सैंड, वीकेंड होने की वजह से आज क्राउड है इधर, बट लोकेशन एक नंबर है यार, लिटरली एक नंबर लोकेशन है ये। ऑलराइट, तो पूरा एक्सप्लोर करके हो गया, एक आखिरी व्यू, पूरा सनसेट इधर से हो गया हमारा। और फिर अभी कॉप्स आ गए जो इधर से निकलने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत जगह बहुत सही थी यार, मज़ा आ गई। चलो अभी इधर से निकल रहे, ऊपर सब कॉप्स है तो विसल कर रहे हैं, क्या पॉइंट दिख रहे थे, अभी पूरा खाली हो गया, मज़ा आ गई। चलो अभी थोड़ा सा ट्रेकिंग वाला पार्ट बाकी है, उतना कवर करता हूँ, सीधा मोटो ब्लॉक पे मिलता हूँ। ऑलराइट, सो चलो अभी इधर से निकलने का टाइम आ गया, और पूरा सुनसान देखो, क्या बाजू में क्या अंधेरा है, कोई बोल भी नहीं सकता, मेरे राइट साइड में ये पूरा समंदर है। और जब रात चालू हो ही गई है तो अभी अपने पावर लाइट को लगाते हैं, फॉग लाइट ऐसे टाइम पर ही काम आएगी। बाकी जगह एक नंबर थी, मतलब अगर क्राउड नहीं होता ना तो और सॉर्टेड लगती, और वैसे भी वीकडेज में क्राउड नहीं रहता इधर, बस वीकेंड था आज इसके लिए क्राउड था इतना। सो होप सो मैं ट्राई करूँगा एक बार कि इसको वीकडेज में ट्राई करूँ, मतलब आके एक बार पूरा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मुझे पब्लिक नहीं चाहिए थी,
अभी देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कल निकलना है इधर से गोवा के लिए, फिर उसके आगे गो करना भी देखना है। मतलब अपने पास दिन बहुत है यार, राइड करने के लिए बहुत दिन है अपने पास। हम लोगों ने इतने मस्त दूर दूर के लोकेशन रखे हैं ना कि ऐसा आधा आधा दिन तो बस राइड में जाने वाला है, बट स्टेट पूरा कवर करेंगे। सो अभी मैं तो जा रहा हूँ शांति से घर पे, क्योंकि मैं थक गया हूँ, क्योंकि भीगने के बाद फिर ट्रैक करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो मस्त थाइस वगैरह दुख रहा है अभी, क्योंकि एक ट्रैकिंग का आदत ही नहीं रहा था। आज ट्रैक भी कर लिए, शूट भी कर लिए, राइड भी कर लिए, सब हो गया एक ही साथ में। सो अभी के लिए बस अभी घर पे जाते हैं सीधा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपका ये जो ब्लॉग है आज का आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया आपको एक्सप्लोरिंग लगा रहेगा, तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सीरीज़ में बने रहो, क्योंकि अभी कल हम यहाँ से निकलने वाले गोवा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट।